नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। नमाज की छुट्टी का आरोप लगाकर बीजेपी हरीश रावत को जमकर घेर रही है। बीते दिनों देहरादून आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर मुख्यमंत्री रहते हुए नमाज पर छुट्टी देने और सड़क पर नमाज पढ़ाए जाने का आरोप लगाया, तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरदा पर नमाज की छुट्टी का आरोप लगाया है। अब हरीश रावत ने सीएम धामी के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हरदा ने कहा, भाजपाइयों, क्या तुम्हारी पूरी खानदान में झूठ बोलना और झूठ को बार बार दोहराना परंपरा है? गोयबल्स की संतान लगते हैं आप। गोयबल्स कहता था, एक झूठ जोर से बोलो, बार बार बोलो, सब मिलकर बोलो, वो सच्ची बात से ज्यादा वचनदार हो जाती हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगे कहा, आपने भी शुक्रवार की नमाज की छुट्टी का एक झूठ बोला और उसको आप देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तब सब बार बार दोहरा रहे हैं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, कोई भी छुट्टी बिना सरकारी गजट नोटिफिकेशन के नहीं होती है। आप वो सरकारी अधिसूचना दिखाइए जिसमें शुक्रवार की नमाज पढ़ने की छुट्टी दी गई है, और यदि आपने नमाज पढ़ने की छुट्टी की वो अधिसूचना दिखा दी तो आपका काम तो सरल हो जाएगा, क्योंकि हरीश रावत को फिर अपने ऐसे काम के लिए जिसके लिए किसी ने भी उससे अनुरोध नहीं किया माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो आप ये मौका चूक क्यों रहे हो, और क्या इतने नालायक हो कि सब मिलकर के भी सब तक उस छुट्टी के नोटिफिकेशन को नहीं निकाल सके? हरदा ने आगे कहा कि झूठ के पाव नहीं होते हैं, ये भाजपा के झूठ बोलने की अदा से बिल्कुल साफ हो गया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक झूठ बोला हर खाते में 15 लाख रुपए डालने का। खैर, यदि राज्य के मुख्यमंत्री जी भी जुम्मे की नमाज का झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी से छोटा झूठ है ये। मोदी जी नाराज नहीं होंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।